हाय नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, एमसीडी पीआरटी का जो रिजल्ट आया था, कट ऑफ आई थी, जो बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए थे, किसी के कम हुए थे, तो इसके लिए बच्चों ने आज जगह जगह प्रदर्शन किया है और जिसके बारे में शायद आपको पता चल गया होगा। इसके बाद मैं सारी अपडेट आपको बता देता हूं। तो साथियों, क्या हुआ, आपने देखा होगा डीएसएसबी ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था और शायद वो आपने देख लिया होगा किसी यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद मंडी हाउस भी बच्चे गए थे, बाराखंबा रोड जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर भी कैंडिडेट्स इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर कुछ मीडिया भी आई थी। तो वहाँ पे जो बच्चों ने क्वेश्चन रखे अपने, मीडिया वालों ने जो क्वेश्चन पूछे, तो वो क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन थे। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि डीएसएसबी ने जो नॉर्मलाइजेशन किया है, काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे, अभी कुछ रिप्लाई भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे, तो मैं बता देता हूँ साथियों, जिनका हो चुका है उन्हें कोई टेंशन नहीं है। उनके लिए क्या है कि वो सारी चीज़ें गलत लग रही होंगी, उनको लग रहा होगा कि अपना काम बन गया, दूसरे चाहे भाड़ में जाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। सारी चीज़ें ऐसे हों, अच्छे तरीके से हों, ये नहीं कि किसी को नुकसान हो किसी को फ़ायदा हो, जैसा कि हम करते आए हैं। और पब्लिक पोल पर हम जो ये कर रहे हैं, सारा पब्लिक पोल पर है, 78% लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना मैं किसी के विरुद्ध हूं, लेकिन 78% के अराउंड जो कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ गलत हुआ है, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके साथ अच्छा हुआ हो उनके लिए गलत हो, नहीं, उनके साथ अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी हक मिले जो कैंडिडेट्स लायक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लायक नहीं हैं, लेकिन कुछ लायक कैंडिडेट्स के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो कैंडिडेट्स बहुत दुखी हैं। तो मीडिया वहाँ पे आई थी, मीडिया ने जो क्वेश्चन पूछे थे, तो क्या क्वेश्चन थे, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। एक क्वेश्चन ये भी था कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी, तो जो बच्चों ने जवाब दिए थे, तो एक कैंडिडेट्स ने कहा था कि सबसे पहले जनरल की अकॉर्डिंग टू लॉ, कोर्ट के अकॉर्डिंग या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग 50% सीट जनरल की होनी चाहिए, क्योंकि 50% रिजर्वेशन है और 50% जो सीटें हैं वो जनरल की होनी चाहिए, लेकिन इस वैकेंसी में 50% वैकेंसी जनरल की नहीं है। और ये शायद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इस वैकेंसी में एमसीडी पीआरटी में 50% जनरल की वैकेंसीज नहीं है। इसके बाद साथियों, दूसरा और मुद्दा लिया बच्चों ने कि जो नॉर्मलाइजेशन किया है, एक ही शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़े हैं, एक ही शिफ्ट में मार्क्स घटे हैं। इवन 30 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बच्चों के मार्क्स कम और ज़्यादा भी हुए हैं, मतलब बढ़े भी हैं घटे भी हैं। तो ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है जो बच्चों की समझ से परे है। इसके बाद साथियों, और भी मांगे रखी बच्चों ने कि जो एग्ज़ाम हुआ है, सबसे पहले हमें OMR सीट दी जाए, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ कुछ अलग भी हुआ है, कुछ का रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ भी बहुत गलत हुई है। और उन कैंडिडेट्स ने डीएसएसबी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था, रोड जाम किया था, और बच्चों में पूरी तरह आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जो ये डीएसएसबी ने अब की बार पीआरटी वालों के साथ किया है, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को बांट दिया, और इसके बाद जो भी गड़बड़ हुआ है, जो भी कुछ गलत हुआ है, वो डीएसएसबी ने बड़े आराम से किया है। तो इससे पहले NIOS से क्वेश्चन लिए थे, रिपीटेड क्वेश्चन दिए थे, तो सब चीज़ गवर्नमेंट को दिख रही है। गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए कि उन बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, अगर टीचर्स के साथ गलत हो रहा है तो और लोगों के साथ कैसा होता होगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट्स थे बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन के बाद, वहाँ पे वो मिले, वकीलों के पास गए,
मनीष सिसोदिया जी हैं उनके पास गए थे और उन्होंने जल्दी ही टाइम मतलब मीटिंग करने के लिए टाइम देने को बोला है, और इसके बाद वो और मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मिलने वाले हैं और कल शायद वो और मीटिंग करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा उसके बारे में। तो साथियों ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं कैंडिडेट्स के साथ, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत गलत लगी। आपको बता दूं जब बारह खंबा रोड मेट्रो स्टेशन पे कैंडिडेट्स थे वहाँ पे अराउंड 100+ कैंडिडेट्स थे और कुछ और जगह भी थे 100 कहीं पे 60, 70, 100+ भी, तो टोटल लगा के आप समझ सकते हैं कि 500+ कैंडिडेट्स थे। लेकिन बात क्या है कि वो कैंडिडेट्स क्या इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सोचने वाली बात है। होता है क्या है कि सबको चौधर चाहिए, चौधर आप समझ रहे होंगे, हर कोई लीडर बनना चाहता है, ये नहीं कि सब मिलके चलें। और जब तक ये चीज़ें रहेंगी आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपकी ताकत अधूरी रहेगी। आपने कहानी सुनी होगी एक राजा के चार लड़के थे या एक किसान के चार लड़के थे, वो आपने कहानी सुनी होगी, आप उस पर गौर करें। तो साथियों मैं सभी से अपील करता हूँ, आप 10 ग्रुप बनाने की जगह क्या करें एक ग्रुप बना ले अच्छे से, और मैं 100% बोल रहा हूँ आपको न्याय मिलेगा। अगर आप 400-500 कैंडिडेट्स एक जगह चले गए तो कोई भी बंदा हिल जाएगा, लगेगा कि जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है। अगर आप 10-10 की संख्या में 50-50 की संख्या में कहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो यही कहना चाहता हूँ जिनके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है वो गलत है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है सभी को शुभकामनाएं, लेकिन जो साथियों के साथ गलत हुआ है वो गलत हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और सभी मिलके इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं अगर आपके साथ गलत हुआ है। ये नहीं कि आपके पहले 40 नंबर थे अब 35 हो गए तो गलत है, आप पहले लायक नहीं थे, आपके मार्क्स तो कम हुए लेकिन आप उस भर्ती से बाहर हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कल की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।